हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी जो कि एकदम चिपकेगी नहीं, एकदम खिली खिली मैगी बनेगी। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैगी आपकी ख़राब भी बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी लिया है, एक बाउल में थोड़ा सा गुनगुना हो गया था तो उसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है मैंने, और 2 चम्मच यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि जो मैगी इसमें हम उबालेंगे वो मैगी चिपकेगा नहीं ऑयल की वजह से। तो यहाँ पे 5 पैकेट मैगी लिया है मैंने। तो अब इन सभी मैगी को हम डाल देंगे पानी में क्योंकि पानी यहाँ पे उबलने लगा है, और यहाँ पे इसे हम ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे और पूरा 100% इसे नहीं उबालना है। बस 2 मिनट के लिए आप इसे लगातार चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से उबल जाएगा, और इसे हमें नॉर्मल पानी से एक बार वॉश कर देना है। ये वाला पानी हमें निकाल कर एक बार नॉर्मल पानी यानी ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैगी है एक दूसरे से यहाँ पे नहीं चिपका। तो गैस पे यहाँ पे मैंने पैन रखा है और इसमें मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे 2 हरे कटे हुए हरे मिर्च यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, तीखा आप अपने अनुसार यहाँ पे यूज़ करें। और यहाँ पे लिया है मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हमें कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है जब तक कि थोड़ा सा ये पिंक ना हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/2 साइज़ का ये टमाटर लिया है मैंने। तो इन सभी को यहाँ पे हमने 3 मिनट के लिए भून लिया है और ये अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालेंगे क्योंकि हल्का सा हमें इसमें ग्रेवी चाहिए ताकि जो मैगी हम डालें वो चिपके ना इसमें। आप चाहें तो इसमें पानी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा पानी डालने के बाद इसका जो मैगी का अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी जो है वो कितना खिला खिला है और बिना चिपका हुआ एक दूसरे से। तो मैगी को यहाँ पे हम डाल देते हैं और हल्के हाथों से हमें मैगी को मिक्स करना है मसाले के साथ। आप एक बार मैगी को इस प्रोसेस से बनाकर देखें, आपकी मैगी एकदम अच्छी बनेगी, कभी भी वो चिपकेगी नहीं। कई बार होता है ना कि मैगी ज़्यादा उबल जाने की वजह से वो अच्छा नहीं बन पाता है। तो इस तरह से आप मैगी को बनाइए, और यहाँ पे मैगी जो है बन चुका है तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पे। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नई नई वीडियो आप देख सकें अलग अलग रेसिपी की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।